हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एरे के प्रिमिटिव ऑपरेशंस देखेंगे। और एरे के जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं उसमें आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि एरे में इंसर्शन कैसे किया जाए, एरे में डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाए, और हम लोग ये भी देखेंगे कि एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कैसे किया जाए। तो इस इन ऑपरेशंस को करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है और लेट से दिस इज द एरे जिसमें कि फाइव एलिमेंट्स हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर लेट से 7, 10, 15, 2 एंड 6। सो हमने रैंडमली कुछ एलिमेंट्स इसमें ले लिए और हमें मान लीजिए कि सबसे पहले इस एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने का सिंपल मीनिंग क्या है कि हमें हर एक एलिमेंट को एक्सप्लोर करना है। ट्रैवर्स का पर्पज सर्चिंग भी हो सकता है, ट्रैवर्स का पर्पज ये हो सकता है कि हम किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करें। तो आज अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एलिमेंट को डिस्प्ले बस करते हैं ट्रैवर्स के रेस्पेक्ट में। सो लेट से हमने एक ट्रैवर्स का छोटा सा एल्गोरिथम लिखा और इस ट्रैवर्स एल्गोरिथम में मान लीजिए कि हमारे पास एक एरे ए गिवन है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं और मुझे इसी एलिमेंट्स इन्हीं एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है या डिस्प्ले करना है। तो हमने माना कि अगर हमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो एक सिंपल सा लूप चलाना है जिसमें 0 इंडेक्स से लेके और लास्ट इंडेक्स तक मुझे पहुंचना है और इन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्प्ले करा देना। तो लेट से एक राइट फंक्शन है जो कि डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो एरे का आईएथ एलिमेंट हम डिस्प्ले करा सकते हैं लाइक दिस। सो दिस हैज बिकम द एल्गोरिथम फॉर द ट्रैवर्सल। तो अगर हमने आई लिया है जो कि आइटरेटर की तरह से वर्क कर रहा है एरे में, तो आई पहले 0 इंडेक्स पे होगा, फिर आई हम मूव करा देंगे 1 इंडेक्स पे, फिर आई हम मूव करा देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे, देन हम आई मूव करा देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे, एंड हम आई मूव करा देंगे लास्ट इंडेक्स पे। अगर हमने 5 साइज का एरे माना है तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है n-1 जहां तक वैलिड इंडेक्सेस हैं, और जैसे ही इस इंडेक्स को हम क्रॉस करेंगे हमारे इनवैलिड इंडेक्सेस होने लगेंगे। तो हमने एरे जो लूपिंग चलाई है, लूपिंग में भी हमने इंश्योर किया है कि n-1 इंडेक्स तक ही हम जा रहे हैं और n-1 इंडेक्स के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। सो ये हमारी एल्गोरिथम हो गई। सो इसको कंप्लीट करने के लिए लेट मी राइट अ कीवर्ड एल्गोरिथम इन द बिगिनिंग, अ बिगिन फॉलोड बाई ए कोलन एंड दी एंड। सो ये हमारी एक छोटी सी एल्गोरिथम या स्यूडो कोड हो गया फॉर द ट्रेवर्सल ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। इसके बाद हम लोग एरे का इंसर्शन देखते हैं, इंसर्शन प्रोसेस को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है, लेट्स से हमने इसमें रैंडमली एलिमेंट्स कुछ मान लिए हैं इसमें, इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए कि 10, 15, 7, 6, 9, 2, 3 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं। लेट्स मार्क द इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनिशियली जो मेरा एरे है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इसमें एक पोजीशन पे इंडेक्स को, एक पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करने की बात कही गई है। लेट्स से जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है वो 3 है, या 3 इंडेक्स है जहां पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो हमने अगर एक फंक्शन बनाना है तो मान लेते हैं कि मेरे पास एरे इंसर्शन नाम का एक फंक्शन है, और इस एरे इंसर्शन फंक्शन में ए एरे हमें गिवन है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, उसके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे मुझे एक एलिमेंट एक्स इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने माना है कि जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है या जिस इंडेक्स मुझे इंसर्ट करना है वो 3 है, और जिस एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है वो 100 है। तो 100 हमने बड़ी वैल्यू ले ली एज कम्पेयर टू द करेंट वैल्यूज, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। तो हमने क्या करना है कि अगर थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो थर्ड पोजीशन ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स को एक एक आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी स्पेस बनेगा कि हम एक्स को इंसर्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाली 3 इंडेक्स खाली चाहिए तो हम ये भी नहीं चाहते कि एरे के एलिमेंट्स का कोई लॉस हो। अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स को इंसर्ट कर दिया तो 6 डेटा लॉस हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते कि 6 डेटा का लॉस हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने प्रयास किया आगे की तरफ शिफ्टिंग का और 6 को 4 इंडेक्स पर शिफ्ट कर दिया, या 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को 4 इंडेक्स पर शिफ्ट कर दिया, तो इस पोजिशन पर 6 आ जाएगा एलिमेंट। और उसके बाद अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और इसको शिफ्ट करेंगे आगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो हर एक पोजीशन में 4, 5, 6, 7 इन सभी पोजीशंस पे 6, 6, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे डिजायरेबल नहीं है, डेटा का लॉस हो रहा है इसमें।
हम कुछ और स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हम एक काम करते हैं कि जो एलिमेंट्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स ऑनवर्ड्स कर देते हैं, तो जो लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको हम सेवेंथ इंडेक्स पर पहुंचा देते हैं, वहां पे 3 पहुंच गया। इसके बाद फिर जो सेकंड लास्ट इंडेक्स वाला है, 5 इंडेक्स वाले एलिमेंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 पहुंच गया। फिर इसके बाद फिर इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को आगे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 9 पहुंच गया। और फिर 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट को फाइनली शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे 6 पहुंच गया। तो 6, 9, 2 एंड 3 जिस ऑर्डर में अपियर हो रहे थे उसी ऑर्डर में आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। अब मेरे लिए 3 इंडेक्स वाला पोजिशन खाली है, आप यहाँ पे एलिमेंट एक्स या एलिमेंट 100 को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें जब एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी है तो लास्ट इंडेक्स से हमें आगे की तरफ, लास्ट इंडेक्स से पीछे की तरफ जाना है और फिर शिफ्टिंग्स करनी है। शिफ्टिंग करने के लिए हम एक बात ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी हम जे पोजिशन वाले एलिमेंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं तो एरे का जे पोजिशन एलिमेंट को हम एजे से रेफर करेंगे और इसको हम पहुंचा कहाँ पे रहे हैं, एक आगे इंडेक्स पे, इसका मतलब कि इसको हम J+1 इंडेक्स पे पहुंचा देंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये जो प्रोसेस हम करेंगे। तो आइए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक लूप लगाते हैं और लूप लगा के शिफ्टिंग्स करते हैं। तो लूप में जो जे है, जहां से शिफ्टिंग स्टार्ट होनी है, पहले लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को और वहां से लेके आई इंडेक्स तक सभी एलिमेंट्स को हम शिफ्ट करेंगे। और चूंकि हम पीछे की तरफ लूप चला रहे हैं इसलिए हम स्टेप -1 लिख रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप सी या सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो J- लिखेंगे। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि ए जे पोजिशन पे जो भी एलिमेंट करंटली है, यू आर शिफ्टिंग दैट एलिमेंट टू J+1 इंडेक्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब शिफ्टिंग सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो जे पोजिशन आपके लिए खाली हो जाए, आई पोजिशन आपके लिए खाली हो चुकी होगी, आप क्या करेंगे, आई पोजिशन पे एक्स एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। इस इन इंसर्शन प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि जो एरे का साइज है वो एक ग्रो कर गया। अगर पहले हमारे पास एरे का साइज एन था तो अब एरे का साइज हमारा N+1 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया। तो ये हमारा एरे का इंसर्शन प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होता है। आइए इसको कंप्लीट कर देते हैं इस एल्गोरिथम को, और यहाँ पे एल्गोरिथम लिख लेते हैं, एक बिगिन कीवर्ड लिख लेते हैं और एक एंड कीवर्ड लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी एल्गोरिथम ये कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आइए हम इस एरे का डिलीशन प्रोसेस लिखते हैं, या एरे का डिलीशन प्रोसेस पहले समझने की कोशिश करते हैं एंड देन उसके लिए हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये एरे है और इस एरे में कुछ रैंडम एलिमेंट्स पड़े हैं, 2, 6, 9, 4, 3, 10 और 12, और इसके इंडेक्सेस अगर हम मार्क करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मानते हैं कि मुझे थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर मुझे थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि ये वाला पोजीशन खाली हो जाएगा। तो हम किसी भी पोजीशन को ब्लैंक नहीं रख सकते, हम क्या करते हैं कि आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक एक करके पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो डिलीशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि एलिमेंट्स पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आइए हम क्या करते हैं कि एरे का डिलीशन प्रोसेस कर रहे हैं, और एरे के डिलीशन प्रोसेस में मुझे ये पता है कि मेरे पास एक ए एरे है, उसमें एन एलिमेंट्स हैं और पोजीशन आई वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं पोजीशन आई वाले एलिमेंट को किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो डिलीटेड एलिमेंट होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। इसके बाद अगर मुझे आई पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो I+1 से लेके लास्ट इंडेक्स मतलब N-1 इंडेक्स तक सभी एलिमेंट्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो इसके लिए आइए हम एक लूप लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर J इज इक्वल्स टू I+1, यहां से मेरी शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, से लेके पोजीशन N-1 तक सभी एलिमेंट्स को मुझे पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो पीछे की तरफ कैसे शिफ्ट होगा, अगर मेरे पास कोई AJ एलिमेंट है तो मैं उसको एक पोजीशन पीछे मतलब कि J-1 पोजीशन पे शिफ्ट कर दूंगा। जैसे कि A4 एलिमेंट को मैं A3 एलिमेंट बना दूंगा, A5 को मैं A4 एलिमेंट बना दूंगा, A6 को मैं A5 एलिमेंट बना दूंगा। इस प्रोसेस के दौरान जो एरे है, जब ये लूप फिनिश हो रहा है तो एरे में जो अगर पहले से एलिमेंट एन थे तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स N-1 हो जाएंगे क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया है, और इसी एक्स को जो हमने डिलीट किया है उसको रिटर्न कर देंगे। हम हमेशा एक प्रैक्टिस बनाएंगे कि जब जब किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो उसको हम रिटर्न करेंगे। तो ये मेरा डिलीशन प्रोसेस हो गया, बिगिन और एंड मैंने लगा दिया जिससे कि एल्गोरिथम ये कंप्लीट हो जाए। अब आइए काम करते हैं कि इन सभी एल्गोरिथम्स को जो हमने डिस्कस किया उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं एरे में वो लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है,
तो अगर लास्ट एलिमेंट वाला लास्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है तो ये जो लूप है वो एक भी बार नहीं चलेगा क्योंकि हमें कोई भी शिफ्टिंग्स नहीं करनी होगी। तो हम मान सकते हैं कि लूप की केवल एक कंडीशन चेक हो रही है जिससे कि कंडीशन फेल हो जा रही है और हम यहाँ पे टर्मिनेट कर दे रहे हैं, लूप नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये काउंट कर लेते हैं कि कितने स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, फिर लूप एक बार चलेगा, फिर एन इज इक्वल टू एन माइनस वन और रिटर्न एक्स। तो टोटल 4 स्टेटमेंट्स मेरे इस केस में चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन रुक जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा कहना केवल इस केस में ही जरूर, इस केस में ही पॉसिबल है कि इसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे पहली पोजिशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर पहली पोजिशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो उस केस में मुझे सभी एलिमेंट्स को, या सेकेंड पोजिशन ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स को एक एक पीछे की तरफ शिफ्ट करना होगा। इस केस में ये जो लूप है वो एन माइनस वन टाइम चलेगा क्योंकि एन माइनस वन एलिमेंट्स की शिफ्टिंग होगी। सेकेंड एलिमेंट ऑनवर्ड्स हम कर रहे हैं तो एन माइनस वन एलिमेंट की हमारी शिफ्टिंग होगी। तो टोटल एन माइनस वन स्टेटमेंट लूप के अंदर चल रहे हैं और 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लूप के बाहर है जो कि कंपलसरी है, वो भी चलेंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो हमारे चल रहे हैं वो एन प्लस टू चल रहे हैं। तो अगर हमारा ऐसा केस था कि मुझे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना था तो 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और अगर मुझे पहले ही एलिमेंट को डिलीट करना है तो एन प्लस टू स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा बेस्ट केस है जिसमें कि केवल 4 स्टेटमेंट चल रहे हैं, और ये मेरा वर्स्ट केस है जिसमें कि एन प्लस टू स्टेटमेंट चल रहे हैं। तो इसकी बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओमेगा वन मतलब कॉन्स्टेंट, और वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई ऑर्डर ऑफ एन बिग ओ एन, क्योंकि ये इसमें हमें बहुत सारे शिफ्टिंग्स या एन माइनस वन शिफ्टिंग्स करनी पड़ेगी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस पूरे एल्गोरिथम में मैंने 2 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिए हैं, एक है एक्स और एक है जे। तो चूंकि 2 वेरिएबल्स लिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 है, या स्पेस फंक्शन 2 है जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो थीटा 1 लिख सकते हैं। और हम थीटा नोटेशन इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फिक्स है, चाहे आप पहले एलिमेंट को डिलीट कीजिए, चाहे आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट कीजिए, चाहे आप बीच से किसी एलिमेंट को डिलीट कीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आपको 2 ही चाहिए। इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है, इसलिए हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कह रहे हैं थीटा 1। नाउ अब हम इंजर्शन वाले की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इंजर्शन एल्गोरिथम है, इस इंजर्शन एल्गोरिथम में अगर मान लीजिए कि मुझे पहले पोजिशन में एलिमेंट को इंजर्ट करना है तो इस केस में क्या करना होगा, ये जो लूप है जो शिफ्टिंग्स कर रहा है वो शिफ्टिंग करेगा एन शिफ्टिंग टोटल्स, और इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट कंपलसरी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होगा वो होगा एन प्लस टू अगर हम पहली पोजीशन में इंसर्ट कर रहे हैं, और अगर हम लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं तो लूप में केवल एक कंडीशन चेक होगा और वो कंडीशन फेल हो जाएगी, कोई भी शिफ्टिंग रिक्वायर्ड उस केस में नहीं होगा। तो एक कंडीशन चेक होगी लूप में, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट ये वाला चलेगा और एक स्टेटमेंट ये वाला। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमारे एग्जीक्यूट होंगे वो होंगे 3। तो केस वो जिसमें कि पहले पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है उस केस में वर्स्ट केस हो रहा है, और बेस्ट केस हमारा अपीयर हो रहा है जबकि मुझे लास्ट पोजीशन में ही इंसर्शन करना है जिस केस में कोई भी शिफ्टिंग या एक शिफ्टिंग रिक्वायर्ड हमारी होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओमेगा वन, और वर्स्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग ओ एन। इसमें हमने अपनी तरफ से जो वेरिएबल्स लिए हैं एक्स्ट्रा वो केवल जे है, इसलिए इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसको हम कॉन्स्टेंट कहेंगे और वो थीटा 1 होगा, और इन एवरी केस दिस विल रिमेन सेम। ट्रेवर्सल की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑब्वियसली ट्रेवर्सल जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंडेंट है, तो ये जो लूप एग्जीक्यूशन होगा वो एन टाइम्स एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए इस ट्रेवर्सल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थीटा एन होगी। और चूंकि हमने एक ही वेरिएबल लिया है आई अपनी तरफ से लॉजिक में, इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थीटा 1 होगी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये टाइम एंड स्पेस एनालिसिस। आइए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यस, और उसके बाद फिर चाहे सी या सी प्लस प्लस आप जिस भी लैंग्वेज में पसंद करें। मान लीजिए कि मैं इसको सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मेरे पास 3 फंक्शन मुझे डिजाइन करने हैं, एक है एरे इंसर्शन फंक्शन, और एक है एरे डिलीशन फंक्शन, और एक है ट्रैवर्सल फंक्शन। फाइन, तो इसके बाद मैं एक मेन बना लेता हूं
और मेन में अपनी तरफ से एक एरे ले लेता हूँ। लेट्स से एक एरे ए मैंने लिया और उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने डाल दिया, 3, 6, 9, 10 और 14। तो ये 5 साइज का एरे है और जिसको मैंने सबसे पहले ट्रेवर्स करके देख लिया है ये मेरा एरे कैसा है। एंड देन उसके बाद फिर मैं इस एरे में अपनी तरफ से रैंडमली इंसर्शन करता हूँ एरे इंसर्शन फंक्शन को कॉल करके। और इस एरे में लेट से मैंने ए पास कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने इसमें पोजीशन फाइंड कर दिया, लेट से 2 इंडेक्स पे मैं इंसर्शन करना चाहता हूँ 100 का। बड़ी वैल्यू से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या इंसर्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एरे इंसर्शन कर लिया और इंसर्शन में हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके देखेंगे। एंड देन एरे डिलीशन फंक्शन को कॉल करते हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे है उसमें से एक एलिमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। लेट्स से ए एरे मेरा है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं और उसमें से लेट्स से 5 नहीं बल्कि अब 6 एलिमेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। तो लेट्स से आपको 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हम ट्रैवर्सल इसी में चला के देख लेंगे कि ये मेरा ट्रैवर्सल प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम एरे का जो ट्रैवर्सल फंक्शन है उसको डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ए एरे मुझे पास किया गया है और इसमें एन एलिमेंट्स हैं और मुझे इसको ट्रैवर्स करना है। तो मैंने क्या किया कि आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके एन तक, n-1 तक हमने लूप चलाया। लेस देन एन का मतलब n-1 ही होता है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू इस नंबर को, इस डेटा को प्रिंट करा दिया। तो ए आई एलिमेंट को आप इसमें प्रिंट करा रहे हैं। थोड़ा सा सेग्रीगेशन लगा देते हैं जिससे कि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर हो एलिमेंट को डिस्प्ले करने के बाद। एंड देन इसके बाद हम एरे का इंसर्शन फंक्शन लिखते हैं। इंसर्शन फंक्शन में 4 पैरामीटर पास्ड हैं। एक है मेरा एरे ए, एंड देन उसके बाद फिर उसकी साइज लेट्स से एन साइज इसकी, एंड देन आई पोजीशन पे मुझे एलिमेंट एक्स को इंसर्ट करना है। तो बिल्कुल एल्गोरिथम के ही तर्ज पे हम इसको राइट कर रहे हैं। इसमें मैंने ये कहा कि आई इज इक्वल्स टू या जे इज इक्वल्स टू आई इंडेक्स से हम स्टार्ट, सॉरी जे इक्वल्स टू n-1 इंडेक्स से स्टार्ट करके हर एक एलिमेंट को हम शिफ्टिंग करेंगे। कहाँ तक करेंगे? आई इंडेक्स तक जहाँ पे मुझे इंसर्शन करना है। तो मैंने जे माइनस माइनस लिखा और इसके बाद जो भी मेरा करंट एलिमेंट ए जे है मैं उसको ए जे प्लस वन एलिमेंट बना दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं उसको एक आगे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। शिफ्टिंग के बाद मैं एक काम करूंगा कि एरे के आईएथ पोजीशन पे एलिमेंट एक्स को इंसर्ट कर देंगे। एक काम मैंने और भी किया था कि एन इज इक्वल्स टू n+1। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इंसर्शन कर रहा हूँ तो इस इंसर्शन के दौरान मेरा जो एरे का साइज है वो 1 बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चेंजेस हमारे मेन में भी हो तो उस केस में आप एक सिंपल सा वेरिएबल ले लीजिए एन और इस एन को इनिशियलाइज कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल। जब आप इसको किसी भी फंक्शन में पास कर रहे हैं तो एन एन पास कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एन है वो हमारा फंक्शन चेंज करे तो उस केस में आप यहाँ पे एड्रेस पास कीजिए। एड्रेस पास करने का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो मेन के वेरिएबल्स को चेंज करे तो आपको कॉल बाय रेफरेंस करना होगा। तो यहाँ पे हमने चूंकि एड्रेस पास किया इसलिए इसको एज ए स्टार एन हम रीड करते हैं। जहां जहां पे एन हमारा लिखा हुआ है उसको हम स्टार एन लिख देंगे और इस एन को या जो एन की जो डेटा वैल्यू है उसको हम एक बढ़ा देंगे जैसे कि एन का जो साइज है जो एरे का वो एक इंक्रीज हो जाए। तो एरे इंसर्शन फंक्शन हमने लिख लिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स जो आपने अपनी तरफ से माने हैं आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से केवल जे वेरिएबल ही यहाँ पे यूज हुआ आपकी तरफ से तो इसको डिक्लेयर कर दीजिए। सिमिलरली हम एरे डिलीशन फंक्शन लिखेंगे। इस एरे डिलीशन फंक्शन में इंटीजर ए एरे मेरा गिवन है, यहाँ पे मुझे साइज गिवन है क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस करना है इसलिए हमने स्टार एन ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल में इसको एक्सेप्ट कर लिया और आई पोजीशन वाले एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे वर्किंग करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक्स और जे। मैं क्या काम करता हूँ कि आई पोजीशन ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स को एक पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। सो फॉर जे इज इक्वल्स टू आई
जे लेस देन एन एन जे प्लस प्लस। मेरा जो करंट एलिमेंट है ए जे, मैं उसको ए जे माइनस वन एलिमेंट बना देता हूँ, और इसके बाद फिर यस एक काम हम भूल गए कि जो हमारा एलिमेंट था करंट एलिमेंट आईथ एलिमेंट जिसको मैं डिलीट करना है, उसको हम एक्स वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो साइज है एरे का वो एक डिक्रीज हो गया इस एलिमेंट के डिलीशन के बाद, इसलिए हमने एन पे वर्किंग की और एन इक्वल्स टू एन माइनस वन कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ये वैल्यू जो आपने डिलीट किया है, तो एक्स इज द डिलीटेड वैल्यू। फाइन, इसके बाद फिर इस डिलीशन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड होगा, एरे इंसर्शन फंक्शन का सॉरी डिलीशन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, इंटीजर होगा क्योंकि हम एक डाटा एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। ये जो एरे इंसर्शन फंक्शन है इसका वॉइड होगा क्योंकि हम इसमें से कुछ भी एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहे, और ट्रैवर्सल फंक्शन का रिटर्न टाइप भी वॉइड होगा क्योंकि हम यहाँ से भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये जो डिलीशन है, डिलीशन एक जो वैल्यू रिटर्न करता है हम उसको किसी वेरिएबल में, किसी भी रैंडम वेरिएबल लेट्स से जेड में हमने एक्सेप्ट कर लिया और इस वैल्यू को हमने प्रिंट करा के देख लिया। फाइन, सो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और जेड, यहाँ पे आप एक मैसेज डाल सकते हैं कि जो डिलीटेड एलिमेंट है, डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटाइल डी जेड। एक काम हम और करते हैं कि जब हमने एरे का इंसर्शन प्रोसेस किया है तो इंसर्शन प्रोसेस के बाद एक बार फिर से ट्रेवर्स करके देख लेते हैं कि हमारा एलिमेंट सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है। एक काम हम और करेंगे कि जो चूंकि हमने ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट कराया था, तो ओरिजिनल एरे मेरा ऊपर प्रिंट हो, इंसर्शन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो हमने बस ट्रेवर्सल फंक्शन में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लगा लिया है और वो है स्लैश एन की प्रिंटिंग, जो कि केवल ये इंश्योर करेगा कि न्यू लाइन्स में ही प्रिंटिंग स्टार्ट हो जब भी ये हम नया ट्रेवर्सल फंक्शन कॉल करें। सिमिलरली आप डिलीशन फंक्शन में भी ट्रेवर्स करके देख लीजिए, तो आपने एक बार इंसर्ट किया और एक बार डिलीट किया और उसके बाद फिर प्रिंट करके देख लिया कि हमारे एलिमेंट सही प्रिंट हो रहे हैं या नहीं। तो एरे का हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि एरे का एलिमेंट्स हमने इस तरह से कंसिडर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट 10 में ले लिया, ट्रैवर्स करके देखा कि एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर इसके बाद फिर एरे का इंसर्शन किया, सेकंड पोजीशन पे या सेकंड इंडेक्स पे 100 एलिमेंट को इंसर्ट किया, फिर ट्रैवर्स करके देखा कि एलिमेंट्स कौन कौन से आए, फिर हमने एरे का डिलीशन फंक्शन परफॉर्म किया, वन इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट किया एंड देन हमने डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट किया और साथ ही साथ ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके देखा कि क्या हमारा ट्रैवर्सल हो रहा है, क्या कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं इस प्रोसेस के बाद। रन करके देखते हैं इसको। फाइन, जो छोटी छोटी गलतियां हैं आप इसमें चेंज कर लीजिएगा, जैसे कि हमने ट्रैवर्सल फंक्शन में एक जो वेरिएबल हमने लिया उसको डिक्लेयर नहीं किया। जेड वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया, एक जेड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ट्रैवर्स नहीं बल्कि हमारा फंक्शन का नाम है ट्रैवर्सल, या फिर हम एक काम करते हैं कि ये फंक्शन का जो नाम है वो यहीं चेंज कर देते हैं। फाइन, सो एक बहुत ही छोटा सा गलती हमसे हो रही है कि ये जो हमने एन लगाया है डिलीशन में इसको हम स्टार एन लगा देते हैं, वो छोटी छोटी एरर्स को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे एन हमने लिख दिया था और इस जगह पे होना चाहिए हमारा स्टार एन, और दूसरा क्या कि जो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करें ना वो एक आगे की पोजीशन हमें करना चाहिए, कि अगर हमें आईथ एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम आई प्लस वन पोजिशन वाले एलिमेंट को आईथ एलिमेंट एक पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। रन करके देख लेते हैं इसको। यस, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही है कि ओरिजिनल एरे मेरा है इसमें 3, 6, 9, 10, 14, उसमें हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया सेकेंड इंडेक्स पे तो वो 100 है, फिर वन इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट किया वो 6 है एंड देन उसके बाद फिर एरे वन इंडेक्स वाला डिलीट होने के बाद एरे है 300, 9, 10 एंड 14। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
and we will come again with the next concept in the next lecture. Thank you so much for watching.